नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमा द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं दश रूपकम में वर्णित रूपक के लक्षण तथा प्रकार के विषय में विवेचन प्रस्तुत कर रही हूँ। दश रूपकम नाट्यशास्त्र का एक लक्षण ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र के लक्षण ग्रंथों में सभी ने आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को ही अपना आधार बनाया हुआ है। इसके साथ ही अपने अन्य पूर्ववर्ती विद्वानों से सामग्री लेना, उसमें कुछ नवीन विधाओं का समावेश करना, इस परंपरा से ही नाट्यशास्त्रीय लक्षण ग्रंथों का क्रम चलता रहा है। आचार्य धनंजय कृत दश रूपक भी इसी विकास परंपरा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुंजराज के सभा पंडित आचार्य धनंजय कृत दश रूपकम में मुख्यतः 10 रूपकों का वर्णन है। इसी कारण इसमें नाट्य संबंधी सभी सामग्रियों का भी वर्णन है। यह अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इस संक्षेप में भी सभी नाट्य शास्त्र संबंधी लक्षणों एवं उदाहरणों का भली प्रकार विवेचन किया गया है। रूपक में मुख्यतः 10 रूपकों का वर्णन किया गया है। इसी कारण नाट्य संबंधी सभी सामग्री का इसमें विशद रूप से विवेचन किया गया है। इसमें 4 प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश में श्री गणेश, विष्णु तथा शिव की स्तुति के बाद नाट्य के आनंदानुभूति स्वरूप प्रयोजन को बताने के बाद नाट्य का लक्षण किया गया है। दश रूपकम में कहा गया है कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत् समारूपात दशधैव रसाश्रयम। इस लक्षण को समझने के लिए यदि इसके प्रत्येक चरण को अलग अलग करके समझें तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें पहला चरण है अवस्थानुकृतिर नाट्यम। अवस्थानुकृतिर नाट्यम का अर्थ है कि अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। इस चरण में मुख्य रूप से 2 बिंदु सामने आते हैं, अवस्था और अनुकरण। यहाँ अवस्था का तात्पर्य है कि काव्य में वर्णित अनुकार्य, जैसे राम आदि की धीरोदात्त आदि अवस्था, यानी कि जो मूल कथा में, मूल काव्य में जिस चरित्र का वर्णन किया गया है वह किस प्रकार का है। और दूसरा बिंदु है अनुकरण। अनुकरण कौन करता है? नट करता है। और कैसे करता है? अपने अभिनय के द्वारा करता है। और किसका अनुकरण करता है? उसी के विषय में कहा गया है कि अवस्था, यानी काव्य में वर्णित अनुकार्य की अवस्था का अनुकरण नट के द्वारा अभिनय के माध्यम से किया जाता है और यही नाट्य कहलाता है। इसीलिए कहा गया अवस्थानुकृतिर नाट्यम। अब यहाँ जो अनुकरण है उसमें यह बात कही गई कि अवस्था का अनुकरण नट अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करता है। अब यह अभिनय क्या है? अभिनय 4 प्रकार के हैं। आचार्य धनंजय ने दश रूपक में 4 प्रकार के अभिनय को बताया है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अभिनय है जो भुजा आदि अंगों के द्वारा अभिनय किया जाए, वो आंगिक अभिनय है। वाचिक जो वचन के द्वारा किया जाने वाला अभिनय। आहार्य वेश रचना तथा आभूषण इत्यादि के द्वारा किया गया अभिनय। और सात्विक अभिनय है जो भावों के द्वारा किया जाए, भाव यानी अंतःकरण से निष्पन्न होने वाले भावों के द्वारा अभिनय। इनमें से आंगिक अभिनय जो भुजाओं इत्यादि के संचालन से, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो ये हाथ उठा करके जो अलग अलग पात्र इसमें दृष्टव्य हैं, शूर्पणखा के आगमन का दृश्य है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शूर्पणखा श्री राम जी से और लक्ष्मण जी से विवाह करना चाहती है,
तो यहाँ पर सीता को देख करके, सीता जी को देख करके कि वो उनकी विवाहिता है, वो उस क्रोध में आ गई है और सीता जी को बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुकूल झकझोर रही है। इस कारण से सीता जी बिल्कुल डरी हुई हैं और उसके इस व्यवहार को देख करके लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रोध में आ करके वहाँ पर तलवार लेकर के शूर्पणखा के सामने खड़े हुए हैं और श्री राम इस दृश्य को देख कर हतप्रभ बैठे हुए हैं। तो इस तरह सभी पात्रों के अंग संचालन से उस अभिनय को यहाँ पर, उस स्थिति को, उस अवस्था को यहाँ जीवंत किया गया है। वाचिक अभिनय, जो अभिनय वचनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। वचनों के द्वारा तात्पर्य है कि जो वचन कहे जाए नट आदि के द्वारा, उसे सुन करके, उसकी शैली, उसको सुन करके बिल्कुल काव्य में वर्णित अब नायक इत्यादि के अनुभूति होने लगे, उसे वाचिक अभिनय कहते हैं। जैसे कि यहाँ दृष्टव्य है। तीसरा है आहार्य। आहार्य का तात्पर्य है कि इस प्रकार की वेश रचना करना, इस प्रकार के आभूषण इत्यादि पहनना कि वह पात्र बिल्कुल लगने लगे कि हाँ, ये काव्य में वर्णित तो पात्र ही है। जैसा कि इस चित्र में दृष्टव्य है कि ऊपर के चित्र में प्रभु श्री राम का वेशभूषा धारण की गई है और दूसरे वाले चित्र में पात्र के द्वारा, नट के द्वारा रावण की वेशभूषा को धारण किया गया है। और उस वेशभूषा से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह राम है और यह रावण है। चौथा है सात्विक अभिनय, जो कि अंतःकरण से निष्पन्न होने वाले भावों के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे भी जब नट आदि अपनी प्रस्तुति देते हैं तो जिस पात्र को उन्हें प्रस्तुत करना होता है वो वैसे ही परिवेश में रहने का प्रयास करते हैं, ताकि वो उस पात्र के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सकें। जैसा कि यहाँ दृष्टव्य है। चार प्रकार के अभिनय के द्वारा किया गया अवस्था का अनुकरण, नायक आदि की अवस्था का नट आदि के द्वारा अनुकरण नाट्य कहलाता है। अब इस लक्षण के दूसरे चरण पर आते हैं, जो कहा गया है कि रूपम दृश्य तयोच्यते। इस नाट्य को रूप भी कहते हैं। क्यों? रूपम दृश्य तयो, दृश्यमान होने के कारण इसे रूप भी कहते हैं। जैसे कि जो नील इत्यादि होते हैं, नीला रंग जो होता है वह हमें दिखाई पड़ता है, तब हम जान पाते हैं कि इस वस्तु का रूप नीला है। अर्थात जो चाक्षुष ज्ञान का विषय होता है वह रूप कहलाता है। जैसे कि अभी ये नीले रंग का जो उदाहरण दिया कि जब तक हम उसे देख नहीं पाएंगे, हम ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि इसका रूप नीला ही है। तो जो वस्तु जिनका रूप होता है, जो चाक्षुष ज्ञान का विषय होती है, उन्हें रूप कहा जाता है। अब चूंकि नाट्य दृश्य होता है, उसे देख करके दर्शक आनंदानुभूति प्राप्त करते हैं, इसीलिए नाट्य का दूसरा नाम रूप भी है। इस लक्षण के तीसरे चरण में कहा गया है रूपकम तत् समारोपात, अर्थात उस नाट्य को रूपक कहते हैं आरोपण किया जाने के कारण। किसका किस पर आरोप हो रहा है? नट पर, जो नायक आदि की अवस्था है उसका आरोप किया जा रहा है। जैसे कि रूपक अलंकार होता है, तद रूपकम अभेदो य उपमान उपमेयोः, कि जो उपमान और उपमेय में अभेद स्थापित करता है वह रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मुख और चंद्र की समानता को बताते हुए यह कह दिया जाता है कि मुख चंद्र ही है, यह मुख चंद्र है। उसी तरह नट के अभिनय के द्वारा उस पात्र को एकदम जीवंत कर देने से ये कहा जाता है कि यह वही मूल पात्र ही है। तो इसी कारण नट पर मूल पात्र का आरोपण किए जाने के कारण ही इस नाट्य को रूपक भी कहा जाता है। लक्षण में जो नाट्य के तीन नाम बताए गए, नाट्य, रूप और रूपक,
यहाँ उल्लेखनीय है कि ये तीनों सिर्फ उसके नाम हैं। प्रवृत्ति निमित्त भेद से तीन उसके नाम दिए गए हैं, वस्तुतः ये एक ही हैं। इसीलिए दशरूपक में यह कहा गया कि इत्येकस्मिन्नर्थे प्रवर्तमानस्य शब्दत्रयस्य इन्द्रः पुरन्दरः शक्रः इतिवत् प्रवृत्ति निमित्त भेदो दर्शितः, कि इनमें इन तीनों शब्दों में नाट्य रूप और रूपक इन तीनों शब्दों में अर्थ का भेद नहीं है, बस केवल प्रवृत्ति निमित्त का भेद है। जैसे कि एक ही व्यक्ति इंद्र कहलाता है, पुरंदर भी कहलाता है और शक्र भी कहलाता है। एक ही व्यक्ति का नाम इंद्र है, उसी को इंद्र कहा जाता है। इंद्र किसको कहते हैं? जो परम ऐश्वर्यवान हो। वही परम ऐश्वर्यवान इंद्र, चूंकि उन्होंने पुरों को विदीर्ण किया इसलिए उन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ उसी इंद्र ने शतक क्रतु यानी 100 यज्ञों को संपादित किया है इसलिए उन्हें शक्र कहा जाता है। तो नाम उनके तीन विशेषताओं के आधार पर तीन नाम हैं, वस्तुतः वह व्यक्ति एक ही है। उसी प्रकार नाट्य रूप और रूपक उसके तीन विशेषताओं को बताते हैं, वस्तुतः ये तीनों एक ही हैं, इनका अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे कि कोई बालिका है, वो अपने गुरु के लिए शिष्या है, अपने माता पिता की पुत्री है, अपने भाई की बहन है, अपने मित्र की मित्र है। इस तरह से उसके अलग अलग स्थान पर अलग अलग उसके नाम हैं, परंतु वस्तुतः वह है एक ही बालिका। उसी प्रकार यह नाट्य एक ही है, बस ये इसके नाम प्रवृत्ति निमित्त के भेद से भिन्न भिन्न यहाँ दिख रहे हैं। इसी नाट्य के रस पर यह आश्रित इस नाट्य के 10 भेद होते हैं, जैसा कि दशरूपक में बताया गया है। नाट्य के लक्षणों में चौथा चरण है कि दश धैव रसाश्रय, कि यह रस पर आश्रित यह जो रूपक है या नाट्य है यह 10 प्रकार का होता है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि दशधा के बाद एव शब्द लगा है, दशधैव। दशधैव का तात्पर्य है कि 10 ही भेद हैं। 10 ही भेद पर जोर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो 10 ही भेद बताए गए हैं ये शुद्ध रूपक के 10 भेद हैं। जब इन्हीं 10 भेदों में से ये जो शुद्ध रूपक के भेद बताए गए हैं, जब इनमें से 2 या 3 के लक्षण किसी कहीं मिल जाते हैं तो वो रूपक के संकीर्ण भेद बनते हैं। इसलिए शुद्ध रूपक के 10 ही भेद हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो 10 रूपक के जो 10 भेद हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। नाटकम स प्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारो वीथि अंके हा मृगे इति। इसीलिए कहा गया कि रूपक या नाट्य के 10 ही भेद हैं, और ये 10 भेद हैं नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथि, अंक और ईहामृग। इस प्रकार अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत् समारोपात दशधैव रसाश्रयम्। यह दशरूपककार के द्वारा प्रदत्त यह रूपक का लक्षण और उसके 10 भेद को मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।